नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि डीजीपी के जो ऑप्शन आए हैं उनका क्या अर्थ है। सबसे पहला ऑप्शन आया इसमें डैशबोर्ड का। इसमें आपको डिटेल दिखाएगा कि कितना बैलेंस से कितना बिल पे किए हैं, कितना डिपॉजिट किया है और कितने विड्रॉल किए हैं। वो सारी की सारी समरी इसके अंदर आती रहेगी। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, उसमें विड्रॉल का ऑप्शन दे रखा है। विड्रॉल से आप कम से कम 500 रुपये किसी के अकाउंट से निकाल सकते हो, 500 से नीचे नहीं लेगा। और उसमें जो भी बैंक है जहाँ से जो पहले से जैसे विड्रॉल कर रहे थे उसी का विड्रॉल होगा, और जैसे पहले प्रक्रिया चल रही थी वैसे ही इसका ऑप्शन का काम है। तीसरा ऑप्शन है बैलेंस का। बैलेंस में क्या है कि जितना किसी अकाउंट आधार से जो लिंक है, कोई भी अकाउंट, उसके अंदर बैलेंस कितना है वो सारा का सारा उसके अंदर बैलेंस चेक होगा। इसमें एक नया ऑप्शन दिया है जिससे बहुत सारी व्यक्तियों की क्वेरी थी, वॉलेट का। वॉलेट क्या है? वॉलेट अभी मैंने जस्ट ही इसमें ट्राई किया है कि वॉलेट का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप किसी के भी अकाउंट से, जैसे मान लो कोई कस्टमर आया और वो ये बोले कि मेरे बैंक अकाउंट से और ये LIC किस्त भर दें या अन्य कोई भी काम कर दें, तो आपको अपना CSC का वॉलेट रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। यानी अंदर से जो CSC ID है उसको रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, उसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपके CSC वॉलेट में आ जाएगा। यानी इस वॉलेट का अर्थ है कि चाहे तो आप CSC का वॉलेट रिचार्ज कर लें, चाहे DGPay से वॉलेट रिचार्ज कर लें। तो वॉलेट का अर्थ है कि आपकी जो CSC ID के अंदर जो वॉलेट बैलेंस है वो प्लस में आ जाएगा। जैसे मान लो कि आपका 1,000 रुपये अभी बैलेंस है किसी के अकाउंट से, वॉलेट के द्वारा आपने विड्रॉल कर लिया पैसा, तो वो पैसा आपके CSC के अकाउंट में जाएगा और कम से कम 500 रुपये का वॉलेट रिचार्ज होगा। अभी मैंने 500 रुपये का वॉलेट से विड्रॉल करने की कोशिश कर रहा था, मैंने सोचा कि ये जो विड्रॉल कर रहे हैं हम कस्टमर का, ये वापस अपने बैंक अकाउंट में जाता होगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारी क्वेरी थी, लेकिन इसका अर्थ यही है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और वो CSC के वॉलेट में चला जाएगा। यानी जो CSC ID अपनी जो है जहाँ से हम रिचार्ज वगैरह करते हैं उसमें चला जाएगा। फिर पे आउट का ऑप्शन है। पे आउट आप कम से कम 2,500 रुपये का कर सकते हो, 2,500 से नीचे का पे आउट नहीं होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें, 2,500 से कम रिचार्ज नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरी थी कि हमारा पहले का पैसा कहाँ है। तो पहले का पैसा देखने के लिए आपको 500 रुपये का विड्रॉल करना पड़ेगा पहले, और जैसे ही विड्रॉल करोगे तो पहले का जितना पैसा है वो उसमें साथ में ऐड होके आपके 100 हो जाएगा। जैसे कि मान लो मेरे पहले 70 रुपये आए हुए थे और अब मैंने 500 का विड्रॉल किया, तो अब मेरे को 570 रुपये दिखाया है, तो 70 रुपये पहले से पड़े होंगे, वो उसके अंदर साथ में आ जाए। जितना भी पैसा है वो आपका कहीं नहीं जाएगा, आप 500 रुपये का विड्रॉल करें। फिर नीचे ऑप्शन दिया है क्लाइंट लॉग्स। क्लाइंट लॉग्स का अर्थ है कि इसके अंदर आज की डेट में आपने क्या क्या किया, यानी आल भी कर सकते हो या आज की डेट का कर सकते हो, पहले का भी कर सकते हो। आज की डेट में क्या क्या किया वो सारे स्टेटस में दिखाएगा। क्लाइंट लॉग्स और पासबुक, इनमें थोड़ा सा अंतर है। पासबुक में देखोगे तो उसके अंदर जितना लेन देन हुआ, देन निकला और गया, वो सारा दिखाएगा। जैसे मैंने अभी 500 का विड्रॉल किया तो क्लाइंट के अंदर 3 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, क्लाइंट क्लाइंट के अंदर 2 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है और पासबुक के अंदर 3 दिखा रहा है उसका। पासबुक में तो ये अर्थ होता है कि जैसे हमने मैंने वॉलेट रिचार्ज किया अभी CSC का, तो 500 रुपये पहले उसके अंदर आ गए DGPay में और उसने ऐड कर लिया, और फिर उसमें से 500 रुपये निकल गए CSC के, अपना जो CSC वॉलेट है वो रिचार्ज हो गया। तो 3 एंट्री दिखाएगा पासबुक के अंदर। यानी यदि आप वॉलेट रिचार्ज करते हो तो पासबुक के अंदर 2 एंट्री प्लस में हो जाती हैं, और क्लाइंट लॉग्स जो होता है उसके अंदर सिर्फ आपको 2 एंट्री दिखाएगा। जैसे मैंने पहले 500 रुपये विड्रॉल किए वॉलेट वो दिखा दिया, और 500 रुपये मैंने वैसे सीधा वॉलेट अकाउंट से विड्रॉल किया था तो वो दिखा दिया। तो क्लाइंट लॉग्स के अंदर 2 एंट्री दिखाएगा और पासबुक के अंदर 3 एंट्री दिखाएगा। यानी पासबुक एकदम बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा कि 500 रुपये मैंने विड्रॉल किया, उसमें ऐड हो गया,
ऐसा जैसे 500 होता था, 500 और निकाला 1000 हो गया, 1000 में से फिर वापस 500 चले गए सीएससी के वॉलेट में, तो पासबुक में पूरा स्टेटस दिखाएगा। और करंट लॉग्स के अंदर जो वापस पैसा गया हमने क्या किया, या जो मतलब ऐड हुआ, यानी पैसे मैंने निकाले तो ऐड हुआ, वो नहीं दिखाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन है, वॉलेट के द्वारा आप डायरेक्ट रिचार्ज, इसमें मुख्य तौर और बाकी सभी वही ऑप्शन है, सिर्फ एक वॉलेट का नया ऑप्शन है वो यही है कि आपका जो सीएससी वॉलेट है वो आप रिचार्ज कर सकते हो सीधा यहाँ से डायरेक्ट, और उसका पैसे का आप उपयोग कर सकते हो। सूचना अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। इसी प्रकार की और भी सारी जानकारी हैं, प्रत्येक वीडियो देखें जिससे आपकी हर सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। थैंक यू।